Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. भाई साहब, वीडियो का सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है वीडियो का इंट्रो बनाना. मतलब हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलनी है, उसके बाद भी जो फर्स्ट का पार्ट होता है उस पर 5-6 टेक पता नहीं क्यों लग जाते हैं. सो हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे इज संडे और आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड. एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड, ओके. लाइक आफ्टर आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे. भाई एक संडे मिलता है, उस पर इतना सारा काम करना होता है, इतना सारा काम करना होता है, विच इज ऑलरेडी अ स्ट्रगल. एंड आई नेवर इमेजिन माई लाइफ लाइक दिस. मतलब बचपन मुझे लगता था कि जब बड़े हो जाऊंगी मेरे पास कुछ नौकर होंगे जो मेरा काम करेंगे, और अभी मैं वो नौकर खुद हूँ अपने लिए. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो दोस्तों, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जो अ लिटिल इम्पॉसिबल, स्टिल आई बिलीव इन गॉड, विच इज ओके. क्या बोलती हूँ यार, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. कितनी नई बात बोल रहे हैं. सो दिस वीडियो इज गोना बी अ हॉल वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कुछ अलग क्रिएटिव थिंग करूँ, पर मुझसे ऐसा कुछ हो नहीं पाया. मतलब मेरा हफ्ता कब चला जाता है, स्क्वायर पिछले दो हफ्ते कब ऐसे फुरफुर हो गए मुझे पता भी नहीं चला. एंड दिस संडे आई एम लाइक नो मैटर व्हाट, मैं एक वीडियो बना के रहूँगी. सो एट लास्ट द ऑप्शन आई हैव इज मेकिंग हॉल वीडियो. दो आई लव मेकिंग हॉल वीडियो, आई लाइक वीडियोज इन विच मैं हफ्ते भर कुछ कर रही हूँ और आई विल शो इट, बिकॉज वो वाले चीज़ें एडिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज दैट्स लाइक अ सम अप ऑफ योर होल वीक. बट इट्स ओके. प्लस मेरे पास जो सामान है वो मैंने शायद एक महीने पहले मंगा दिया था और मैंने इनको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है. सो यू कैन इमेजिन कि मेरी जिंदगी कहाँ पहुँच चुकी है. ओके, पार्सल अनबॉक्स नहीं हो पा रहे मुझसे पार्सल. एंड सो आई एम लाइक लेट्स मेक अ लिटिल हॉल. लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग हॉल, बहुत ही कम आइटम्स हैं मेरे पे जो मेरे को अनबॉक्स करें, बट इट्स स्टिल गोना बी अ हॉल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. ओके, हॉल के साथ साथ आई एम गोना शो यू थिंग्स आई रिसीव्ड एज अ गिफ्ट ऑन माय बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, लाइक दो महीने बाद वाला हैप्पी बर्थडे. लाइक पिछले हफ्ते मैं अपने दोस्तों से मिली एंड एज नॉट प्रेडिक्टेड, बट मतलब मुझे लगा नहीं था कि दो महीने बाद भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, बट दे लिटरली केम अप विद केक, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स, पिंकियां. ओके, थैंक यू सो मच. सो आई एम गोना शो यू द गिफ्ट दे सेंड मी. फूल तो मुरझा गए, बट मैंने अभी तक रखे हुए, दो हफ्ते हो गए. लेट मी शो यू, लुक, ये मुरझा चुके हैं, बट ये कभी तो जिंदा थे. या और केक वो तो हमने तभी निकल लिया. और गिफ्ट आई विल शो यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, इट्स सुपर क्यूट. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद माय फेवरेट अनबॉक्सिंग, दैट इज फेवरेट. मतलब फेवरेट अनबॉक्सिंग क्या होता है, मतलब फेवरेट सेगमेंट ऑफ अनबॉक्सिंग, दैट इज स्किन केयर. सो मैंने कुछ टाइम पहले मंगाया था एक सनस्क्रीन स्टिक, लेट मी शो यू, इट्स फ्रॉम नाइका एज यूजुअल. सो लेट्स अनबॉक्स इट. ओके, मैं पूरी तैयारी के साथ बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ गुड आई एम एट अनबॉक्सिंग. लाइक पीपल डू अनबॉक्सिंग वेरी नाइसली, ऐसे मस्त कट कुट करके. मेरे भाई डब्बे फटके के तरह जाते हैं, मुझे भी नहीं पता था. सो आई नीड अ कटर. और मैंने अपनी फ्रेंड की वीडियो में देखा था, उसने एक बहुत प्यारा सा क्या बोलते हैं उसे, चाकू भी नहीं यार, कटर टाइप का कुछ होता है अनबॉक्स करने के लिए, वो खरीदा था मिनी शो से. इफ आई विल एवर गो देयर, सो आई विल बाय इट. सो फॉर नाउ आई हैव कैची. ऑल्सो अनबॉक्स कटर से बातें करना जरूरी है. आई हैव डिसाइड, लाइक मैंने कल मैं बस यही सोच रही थी शाम को, लाइक व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेंट आई कैन मेक दिस संडे. पर सुबह से ऑल आई डिड इज मैंने दो बाल्टी कपड़े धोए, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, मैंने खाना ब्रेकफास्ट बनाया, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क गाइस. फिर मैंने नहाया, स्किन केयर किया, फिर मैं वापस सो गई. सो इट्स ऑलमोस्ट आधे दिन से भी ज़्यादा, पर आई डिड एवरीथिंग एंड नाउ आई एम मेकिंग वीडियो, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे. तो मैंने सोचा है दैट इस हफ्ते आई विल ब्लॉग समथिंग, सो आई विल वर्क ऑन इट. ओके भाई, फट जा. ओके, इट्स आई एम ऑलमोस्ट देयर. माई एस्थेटिक्स आर अ लिटिल अनएस्थेटिक,
तो इट्स ओके. मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा आएगा पर तो बहुत ज्यादा छोटू है. दिस इज अ सनस्क्रीन स्टिक बाय फिक्स डर्मा. मैंने सोचा नहीं था इसका साइज इतना छोटा होगा. इट्स अ लिटिल टू स्मॉल बट इट्स टू क्यूट. ओह माय गॉड. वैसे भी मुझे लगता नहीं कि मैं इसका ज्यादा यूज करूंगी बिकॉज आई एम नॉट, मतलब मैंने जिंदगी में आज तक कभी दोबारा सनस्क्रीन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं किया है. बट आई जस्ट ऑर्डर इट बिकॉज इतनी हाइप हो रही है सनस्क्रीन स्टिक्स की और सनस्क्रीन स्प्रे की. स्प्रे अभी तो मैंने ऑर्डर नहीं किया है. आई विल डू दैट दिस मंथ आई गेस बिकॉज मुझे एक सनस्क्रीन भी मंगानी है. सो लेट देखती हूँ, मतलब अपने बजट के हिसाब से सनस्क्रीन तो मंगानी है. सो अगर आपका ज़्यादा बजट होगा तो आई विल ऑर्डर सनस्क्रीन स्प्रे ऑल्सो. सो नेक्स्ट वीडियो माइट बी अ हॉल टू. सो या दिस इज अ सनस्क्रीन स्टिक. ओ इसको कैसे खोलते हैं भाई. इट लुक्ड अ लिटिल डैमेज्ड. लुक इट्स अ होल स्कैम. ये मैंने आज तक क्यों नहीं खोला. ओ माय गॉड इट्स अ होल स्कैम गाइस. व्हाट इज दिस. ये अंदर से मेरी किस्मत के तरह खोखला सा दिख रहा है. अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कब तक रिटर्न किया जा सकता है बिकॉज शायद मेरे को मंगाए पे बहुत टाइम हो गया पर मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था. एंड इट लिटरली लुक ब्रोकन जस्ट लाइक माय किस्मत. बट इट स्मेल सो गुड. प्लस ये छोटू सा, अरे अंदर चला जा. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसे रिटर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वैसे करना चाहिए, इट्स ब्रोकन. प्लस ओके वैसे ये ब्रांड का ये सनस्क्रीन है बहुत बढ़िया. यार मैंने फिक्स डर्मा का मंगाया था क्या. वेट मैंने कौन से ब्रांड का सनस्क्रीन स्टिक ऑर्डर किया था. इट्स इम्पॉसिबल. मुझे याद है मैंने तो इस ब्रांड का सनस्क्रीन स्टिक ऑर्डर ही नहीं किया था. वेट गाइस मुझे सब बहुत बड़ा स्कैम हो गया. लेट मी फर्स्ट चेक माय नाइका. हाय गाइस आई एम बैक. देख के कि मैंने क्या मंगाया था. आई लिटरली थॉट इट सम अदर ब्रांड और मुझे अभी याद आया कि मैंने तो फिक्स डर्मा सोचा भी नहीं था अपने दिमाग में मंगाने से पहले पर मैंने वो मंगा दिया. और नाउ इट्स इसकी क्वालिटी भी बेकार है, ऊपर से टूटा हुआ है. सो आई रिटर्न इट. प्लस इट्स लिटरली सो ग्लिटरी. बता तुम्हें सनस्क्रीन में ग्लिटर क्यों चाहिए. मुझे नहीं चाहिए भाई. सो आई रिटर्न इट. ओके दिस इज फर्स्ट टाइम मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है. मतलब मेरे दिमाग में मैंने कोई और ब्रांड मंगाया था पर मैंने मंगा कुछ और दिया लेकिन उसके बाद मुझे गलत आया ग्लिटरी. अगर तुम्हें अपने फेस पे ग्लिटर चाहिए सो यू कैन ऑर्डर अदरवाइज फॉर मी इट्स अ जीरो के ग्लिटरी या जीरो. सो आई एम रिटर्निंग इट. मुझे नहीं पता मैं इसको रिटर्न कैसे करूँगी बिकॉज मैं घर पे रहती ही नहीं हूँ. लेट मी सी क्या हो सकता है. वापस डब्बे में डाल रही हूँ नाइका वालों प्रूफ के साथ. थैंक गॉड आई एम मेकिंग अ वीडियो. व्हाट इफ दे से कि नहीं तुमने ये खराब किया कि तुमने पहले मंगा लिया तुमने वापस क्यों नहीं किया. आई एम सो डम बट एट द सेम टाइम आई एम सो स्मार्ट गाइस. ओके जिसको वापस पैक कर दे. और पहली बार मैंने डब्बा पूरा नहीं फाड़ा. वाओ दिस इज सच अ भगवान ने बचा लिया मोमेंट. ओके सो एक अनबॉक्सिंग फेल हो चुकी है. हम इसको वापस कर देते हैं बिकॉज दिस इज सच अ फेल. इट्स लिटरली सो ग्लिटरी. मैं इसको फेस पे कैसे लगाऊंगी. आई हैव नो फ्रिकिंग क्लू. और प्लस इतना छोटा सा. और पता है यू नो व्हाट्स द अमाउंट. इट्स 330 रुपए का. इतना छोटा सा एंड इट इज ब्रोकन. गाइस आई हैव पैसा बट फालतू नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फेवरेट सेगमेंट ऑफ माइन. That is part 2 of this video. Aesthetic accessories. So, मैंने कुछ दिनों पहले अपने लिए कुछ कान के ज्वेलरी मंगाए थे. ये कुछ दिनों पहले की बात बिल्कुल नहीं है. मुझे अभी भी याद है एक महीने पहले की बात है जब मैंने ये मंगाया था और तब से मैंने ये अनबॉक्स नहीं किया. मैंने बहुत शिद्दतों से मंगाया था और मैंने फिर भी इसको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया जस्ट फॉर दिस वीडियो. ओके सो सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ. लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड आई विल ट्राई माई सुपर बेस्ट इफ यू विल सपोर्ट मी पोस्टिंग कॉन्टिन्यूसली. ओके आई थिंक मेरा रिफंड आ गया है. अभी चेक करती हूँ. वेट आई विल नॉट फॉरगिव यू लाइक दिस. ओके अब ये भी भाई टूटा फूटा ना आए. ओके डब्बे की हालत देख के लग नहीं रहा कि कुछ खास आया होगा. वाओ
इनका कलर उतना ज्यादा डार्क नहीं है जितना मैंने सोचा था. लिटरली द MRP इज 2000 रुपीज. मतलब कौन भी वो होगा जो इनको 2000 रुपए का लेगा कुछ भी. मतलब लिखने से पहले सोचते नहीं आजकल लोग. लुक एट दीज थिंग्स. इट मतलब वो नहीं होते जो आज सुबह ट्रेंड में लाइक इट हैव मंडे ट्यूजडे तो 7 दिन के लिए 7 इयररिंग्स है ये. एंड वो लुक एट द थर्सडे वन. पर यार ये भी डैमेज जा रखा. इसमें एक हाथ में एक दिल है जो उस पर पूरे के पूरे क्या बोलते हैं उन्हें मोती हैं और एक में एक गायब है. आई थिंक ये वाला रिटर्न नहीं हो सकता बिकॉज ये एक मैंने पहले मंगा लिया था तो रिटर्न का वो भी खत्म हो गया ऑप्शन और मैं इसको रिटर्न करूँगी नहीं बिकॉज इट्स नॉट डैट बैड. दे आर लिटरली क्यूट. आई विल मेक अ यूट्यूब शॉर्ट्स ऑफ दिस थिंग. ओके सो अगर तुम्हें इनको क्लोजअप देखना है सो यू कैन चेक दैट आउट. ओके ठीक ठीक है. नॉर्मली मेरे अनबॉक्सिंग हॉल कितने खुशीदार होते हैं मेरे लिए बट दिस वन इज बिकमिंग मेरे लिए दुख. मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है ये तो. लेट्स डू द पार्ट 3 ऑफ दिस व्लॉग दैट इज शॉपिंग हॉल. नो अभी शॉपिंग नहीं बची. अभी आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बैग. ये बैग भी मुझे मेरे दोस्तों ने दिया था. उसमें सामान लेके आए थे फिर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने सारा सामान इसमें डाल दिया. ओके ऑफिस एसेंशियल थिंग ये है तो बैग वो जो झोला होता है. ये आई ऑर्डर दिस फॉर माई ऑफिस बट ये मैंने अनबॉक्सिंग किया तब से. लेट मी चेक. भगवान सब कुछ बेकार आ रखा है अब किसकी बारी ना हो. आई रियली विश आई डोंट से ओह शिट व्हाट आई ऑर्डर्ड. वो क्वालिटी बाहर से काफ़ी अच्छी लग रही है सो लेट मी चेक. ओके सी दिस लुक्स गुड. ये गया हमारा. नो रिफंड और करेक्ट शिप्ट फॉर एंट्रस प्रोडक्ट. पहले ही लोगों ने वार्निंग दे दी है. दिस वन इज क्यूट. इट्स नॉट टू बिग बिकॉज मुझे यही चिंता थी कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा ना आ जाए बिकॉज देट लिटरली लुक लाइक झोला. बट दिस इज लिटरली नाइस. इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है. मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़िया है. चिंगड़िंग डिंग चेन. आई लाइक इट. आई लिटरली मजाक नहीं कर रही हूँ. आई रियली लाइक दिस थिंग. ओके अब मैं तुम्हें इसे टांग के दिखाऊंगी झोलादार बाबा बन के. ओके दिस इज द बेस्ट थिंग टिल नाउ जो अच्छी आई है. लेट्स डू माई फेवरेट वाला पार्ट ऑफ अनबॉक्सिंग. लाइक एक मैंने ना एक टॉप ऑर्डर किया था विच आई एम रियली एक्साइटेड टू ओपन बिकॉज शायद मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए था. मतलब शायद नहीं मेरे पे यू नो कुछ टाइम से आई एम ओनली बाइंग दो कलर. एक है वाइट और एक है ब्लैक. और जिसमें से मतलब मैंने बहुत टाइम बाद कुछ अलग मंगाया है. सो दिस इज ये ग्रीन कलर का टैन टॉप है. लेट मी शो यू. आई कैन नॉट गेट एनीथिंग ऑलरेडी. ओके द कलर इज सो नाइस पर पता नहीं इसको देख के लग रहा है कि मुझे फिट शायद ही मेरे लिए बड़ा होगा. भाई ये वाला अनबॉक्सिंग इज जस्ट नॉट फॉर मी आई गेस. दिस इज आई थिंक इट गोना बी अ लिटिल बिग बट आई डोंट नो. आई विल ट्राई दिस थिंग अप. आई विल ट्राई दिस थिंग अप ओके टू नो लाइक इफ इट रियली फिट्स और नॉट. बट दिस इज क्यूट. द सेकेंड थिंग आई ऑर्डर्ड इज फ्रॉम मिंत्रा. मैंने एक टी शर्ट मंगाई थी विच इज सुपर क्यूट टू एंड आई नो दैट्स रियली गुड. ओके सो मैंने एक टी शर्ट मंगाई थी फ्रॉम मिंत्रा एंड आई डोंट नो हाउ इट लुक्स ऑन कैमरा बट इन रियलिटी आई नो इट गोना लुक गुड. लाइक आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड अ आउटफिट विद दिस टी शर्ट. And yeah, let me try my top and also my tote bag to know if it really fits or not. And then my bag will be like this, okay? Okay guys, this is gonna be the last part of this video. That is, जो मेरे दोस्त ने मुझे gift दिया था,
that is this cute mirror. If you know, oh wow, मैं दिख रही हूँ. Can you see that? उसमें मैं अच्छी लग रही हूँ पर मैं रियलिटी में अच्छी लग नहीं रही हूँ. मतलब इस कैमरे पर लुक ज़्यादा अच्छी. See, can you see? Padam. Oops. The second thing she gifted me is this liner by Prosh Beauty. मतलब मैंने उससे मांगा था. मतलब मैंने उसको ना एक ब्रांड कोलैबोरेशन मिला था. एंड शी आई मीन लाइक इसमें से कुछ मुझे देते हैं. आई नेवर नो शी विल गिव मी एंड बट शी गिव मी दिस लाइनर. और बाय गॉड मुझे लगता था कि लाइनर लगाने में मैं बोल रही हूँ बट आई थिंक मेरे को जितने भी ब्रशेज अभी तक मिले हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है मेरी स्किल्स के हिसाब से. बट ये वाला मुझसे फिर भी काफ़ी अच्छे से लग जाता है. सो आई थिंक इट्स नॉट मी, इट्स दोज लाइनर्स वही बेकार थे, मेरी स्किल्स नहीं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोना मीट यू सून विथ माई यैपिंग वीडियो. तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट बिलो. आई नेवर सेड दैट ब्रो. मैं जब मैंने ये वीडियो शुरू किया ना तब मैं फिर भी बोलती थी लाइक कॉमेंट ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज. बट आई थिंक उसके बाद में ऐसा भी कुछ बोला ही नहीं. लाइक सो टुडे आई एम सेइंग दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.